अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम फ्रॉम फिजियोलॉजी फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि आपकी एमआरआई रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है सर कि आपको L1 L2 का मसला है, L2 L3 का मसला है या L5 S1 का मसला है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक जो हमारे कमर के मोरे होते हैं या एक स्पाइन का मॉडल भी रेंज किया है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कब परेशान होना चाहिए अगर खुदा ना खास्ता आपकी कमर के मोरों में मसला हो गया है और आपकी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा आ गया है, तो कब आपको ज़्यादा परेशान होना चाहिए या फिर आपको अपने एक डॉक्टर से या फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप लोग देखें तो ये हमारी स्पाइन का मॉडल है, आपकी ये हिप जॉइंट है या आपकी पेल्विस एरिया है और ये आपके कमर के मोरे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे 33 वर्टिब्रा यानी कि 33 मोरे होते हैं, जिसमें आखिरी 5 मोरे लंबर वर्टिब्रा कहलाते हैं, इनको L1, L2, L3, L4, L5 कहा जाता है, और ये हमारी सैक्रम बोन होती है और आखिर में हमारी दुमची या जिसको कॉक्सिक कहा जाता है ये होती है। अच्छा, आपने MRI की रिपोर्ट के अंदर अगर लिखा देखा कि L5S1 का मसला है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, L4, L5 का मसला है तब भी परेशानी कोई बात नहीं है, L4 का मसला है या L2, L3 का मसला है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका मसला L1, L2 का है या इससे ऊपर है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हराम मगज है, वो हमारे L1 के लोअर बॉर्डर और L2 के अपर बॉर्डर तक आकर ख़त्म हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है या हराम मगज है उस पर थोड़ा सा भी दबाव आए तो हमारे जो निचला धड़ है वो आप कह लें कि मुतासर हो सकता है, या जिसको हम बोलते हैं पैराप्लीजिया हो जाना कि हमारा निचला धड़ काम करना छोड़ देता है, वो हो सकता है। आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर प्रॉब्लम L1, L2 या L1 से ऊपर लेवल की हो तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, फौरन हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम L2, L3, L3, L4, L4, L5 या L5S1 का है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इसलिए थी कि आप लोग कतन जल्दी ना करें कोई भी फैसला करने से पहले। हर कमर का मसला ऑपरेशन से हल नहीं होता, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जिससे आप मसला हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको पता लगा होगा कि कब आपको MRI की रिपोर्ट देखकर परेशान होना चाहिए। और एक और बात कि अगर मैंने कहा है कि आपका मसला अगर L2 से नीचे है तो परेशान होने की बात नहीं, इसका एक कतन मतलब नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से ना मिलें और इस मसले को खुद हल करें। इस प्रॉब्लम में आपके काफ़ी सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं, इसमें आपको दवाइयाँ देकर दवाइयों के बगैर भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम इसका इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपके पोस्चर को देखकर इसका इलाज कर सकते हैं। बाकी बेतहाशा मसाइल हैं जो कि हम इस एरिया पर L2 से नीचे L2, L3, L3, L4, L4, L5 और L5S1 के दरमियान देख सकते हैं। तो आई होप कि आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक लो बैक पेन की सीरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि लो बैक पेन यानी कि कमर दर्द की क्या वजूहत हैं, और इसके अलावा कमर दर्द को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसमें बेतहाशा ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं हमारे पास। तो तब तक के लिए